हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका शर्मा, वेलकम्स यू इन आर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मे आई विशिंग यू ए वेरी हैप्पी दशहरा। मे दिस दशहरा ब्रिंग्स फॉर यू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। एज यू नो, एवरी सैटरडे संडे पीपल कम हियर टू टेक फ्रेंचाइजी ऑफ आर कंपनी, एंड टुडे इज संडे। वी हैव गिवन देन ट्रेनिंग एंड नाउ पीपल आर स्टैंडिंग हियर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, दैट व्हाट दे हैव लर्न हियर, व्हाट दे हैव टेकन हियर। सो दिस इज़ वेरी unique program, and you know that lockdown is continue in many places. In spite of this, people come here to take franchise of our company. You know why? Because this is very interesting program, this is very unique program, and this is very helpful to students, to society, to country. So please come and share our franchise in many places, and now people are standing here to share their experience. First of all, I would like to invite our MD Miss Anjali Hazariwal to share her experience. Thank you so much Priyanka ma'am. सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी आज की जो फ्रेंचाइजी है मिस्टर वसी जी, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज जिस तरह से आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, उसी तरह से इन्होंने भी इस प्रोग्राम को यूट्यूब से ही देखा, और देखने के बाद में टीम 360 के साथ जुड़ने का अपना जज्बा उठाया, और आज अब ये यहाँ पर आ गए हैं। इन्होंने दो दिन का अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है, अब ये यहाँ से जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस कि जब इन्होंने इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखा तो इनका अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जब ये यहाँ पे आ गए हैं, दो दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये यहाँ से क्या विजन साथ में अपने लेके जाने वाले हैं। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं सर से। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मिस्टर वशीर सर। तो सबसे पहले तो सर मेरा आपको नमस्कार, और हमारे ये सभी YouTube दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जिस तरह से आपने YouTube पे इस वीडियो के बारे में जाना, सुना, देखा, समझा, और अब यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ से आप अपना क्या विजन अपने साथ लेकर जाने वाले हैं? सबसे पहले सबको नमस्कार, मेरा नाम है वसी, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। पिछले दो महीने पहले एक वीडियो ने हमारे पापा ने शेयर किया, जिसमें छोटा सा बच्चा 8 साल का होगा, वो जस्ट आंखें बंद करके यानी पट्टी बांध के एक चीज़ पर दिए गए, वो ज़्यादा सेंस कर सकता है, जल्दी सेंस कर सकता है। वो कैसे सेंस करता है वो मुझे नहीं पता, ये तो माया है, समथिंग, ये एक मिथ है, जैसे वैसा मैं सोचा था। बट मैं इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, अपने पापा से डिस्कस किया था और उनके सजेशन लिए थे, और आज ज़्यादा वीडियोस मैं देखा था वो, जिसमें हर डीएमआईटी क्या है मुझे बता नहीं था डीएमआईटी क्या है, पर मुझे बताया था मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये तो पिनल ग्लैंड एक्टिवेशन कहा जाता है टीम 360 में। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन तो मुझे नहीं पता, ये इसमें जस्ट ऐसा पट्टी बांधते हैं और उसे सेंस कर सकते हैं, ये तो मुझे इस चीज़ें मुझे पता है, ये कैसा होगा इस चीज़ में मुझे नहीं पता। तब मुझे रिसर्च करने टाइम में और मुझे डीएमआईटी के बारे में पता चला, और डीएमआईटी तो ज़बरदस्त प्रोग्राम है, वो सर्विस है जो सब टेस्ट ले सकते हैं, और इस टेस्ट से अब सब बात कर सकते हैं, अपना गोल क्या है, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का और क्या, और उनके बारे में जान सकते हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। इसके बारे में रिसर्च किया और दूसरे कंपनी से किया, मुझे मिला था टीम 360। इसके बारे में मैंने अपना पापा से डिस्कस किया टीम 360 क्या है ये सब, तब मैं देखा ओवर 200-300 वीडियो सबको मैं देखा था, और क्या है चीज़ इसमें, कुछ गड़बड़ है या नहीं। पर मुझे एक चीज़ बहुत खास अच्छी लगी थी, वो है ट्रांसपेरेंसी इस कंपनी जो मेंटेन कर रही है, ये जो चीज़ है A to Z सभी चीज़ बताती है जो फ्रेंचाइजी मेंबर को चाहिए, ये तो फ्रेंचाइजी मेंबर को चाहिए, यही चीज़ है, वो एक खास चीज़ है इस टीम 360 में।
और मैं इंटरेस्टेड था और फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और मैं जयपुर में इनसे बातचीत की, एन के शर्मा सर से और विनीत सर से, इन सब सर से बातचीत किया और क्या है ये प्रोग्राम जानकर, और खुद ही देखे तो पता चलेगा ये प्रोग्राम क्या है वो कैसे चलेगा। सो मैं जयपुर आया हूँ और इनकी दो दिन की सेशन तो बहुत अच्छी चली, ये तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और सर ने मैं डीडी शर्मा सर, सर आपका विजन और डेडिकेशन के लिए और बहुत ग्रेटफुल हो, जो आपने बहुत अच्छी तरह से अपने मैनेजमेंट को समय है किया है, और इनके हर मेंबर की लॉयल्टी और उनके हॉस्पिटैलिटी दिखाने का बहुत तरीका बहुत अच्छी है। और मैं यही देखना चाहता हूँ आपके विजन और डेडिकेशन से आप कितने दूर जा सकते हैं, मैं एक जान सकता हूँ क्या विजन, आपका विजन जो है बहुत अच्छे बढ़िया है। सो थैंक यू सर, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी अपने फैमिली में, आपकी टीम 360 फैमिली में रहने के लिए। सो थैंक यू सर। और विनीत जी सबके सर, एनके शर्मा सर, आपने जो बात की है, डिटेल्स दिए हैं आपने, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह से, कितना पेशेंस से बताया वो भी अच्छी तरह से, मुझे अच्छा लगा। और विनीत सर आपने, मैं भी DMIT टेस्ट करवाया और उसमें ये चीज़ A to Z क्या क्या है, मुझे जो मुझे बता है और जो मुझे नहीं बता है वो सब मैं जान लिया, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सबके लिए बहुत आगे आने युवा लोगों के लिए, भविष्य के लिए, उनके करियर पाथ को चूज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये तो गारंटी है। और सर विपुल सर ने अपने बहुत अच्छी तरह से अपने स्ट्रैटेजीज बोले और कैसे मार्केटिंग करें और कैसे इस प्रोग्राम को पीपल के सामने लगाए जा सकते हैं, ये सब ने अपने बहुत अच्छी तरह से बोला और क्या क्या कर सकते हैं, सब अच्छा लगा। सर ये मैं ओके, अब सबके लिए थैंक यू ऑल, धन्यवाद। अंदर की नमस्कार, ना पेर मोहम्मद वसी, नेनु कर्नूल आंध्र प्रदेश नुंची वच्चिनानु। नेनु ఒక వీడియో చూశాను, చిన్న పిల్లోడు తన బట్ట కట్టుకొని కళ్ళకాడ, అతను ఏ వస్తువు ఇచ్చినా ఈజీగా సెన్స్ చేయగలుగుతాడు, ఆ కలర్ ఏంది, ఆ కలర్ ఏది ఉంది, దాని మీద అక్షరాలు ఏమున్నాయి, ఈజీగా సెన్స్ చేయగలుగుతాడు జస్ట్ కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత. తర్వాత ఏమైంది, నేను ఇది చూసిన తర్వాత ఇది అరే ఇది అమేజింగ్ ఉంది, చాలా బాగుంది, చాలా బెటర్ టెక్నాలజీతో ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ యాక్టివేషన్ ద్వారా జనాల దగ్గర చెప్తారు, జనాలు తెలుసుకుంటారు. సో ఇది కన అందరికీ తెలిసింతే అందరూ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, అందరి కోసం ఉంటుంది, కాబట్టి ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, చాలా మంచి సర్వీస్ ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ తెలంగాణలో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏమేమి కావాలో వాళ్ళు ఎంత ఎట్లా డెవలప్ అవుతారు, దీని ఆ పిల్లలు ఇట్లాంటి అమేజింగ్ ట్రిక్స్ చేస్తే వాళ్ళందరూ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, చాలా చిల్డ్రన్స్ అంటే వాళ్ళందరూ ఎదుగుతారు, బాగా ఎదుగుతారు. దాంతోపాటు డిఎంఐటి గురించి నాకు ముందు తెలీదు, ఇది ఏంది, ఇది ఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని, కానీ నేను రీసెర్చ్ చేసి మొదలుపెట్టినాను. అప్పుడు వచ్చేసి నాకు తెలిసింది డిఎంఐటి చాలా అమేజింగ్ టెక్నాలజీ, ఇది ఒక అందరిది ఒక జస్ట్ ఒక ఫింగర్ ప్రింట్స్ ద్వారా వాళ్ళ చరిత్ర మొత్తం చూపించచ్చు, చిన్నపిల్లోడైనా ఒక 100 సంవత్సరాలైనా ముస్లిం వాళ్ళైనా కూడా చేయొచ్చు ఇది. దానివల్ల వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఏ పాత్ తీసుకోవాలో, ఏ కెరియర్ పాత్ తీసుకోవాలో, దానివల్ల ఏం యూజెస్ ఉన్నాయి, అతని స్ట్రెంగ్త్ ఒక వీక్నెస్ ఒక తెలుస్తుంది, అది దాని తర్వాత వాళ్ళ నేచర్ ఏంటి, వాళ్ళ వే ఆఫ్ వర్క్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళు వింటారు
आधा चपते वीलू बदे विधा ग्रो अवलप साधि विजया साधि पिवाड़ तन पोदन कलेक्टर अव्वालुना अतन डीएमआईटी टेस्ट द्वारा तेसकोवच्छ अत दाँटो स्ट्रेंथ दाँटो वीकनेस वीकनेस दागरी रेमडी अटे दाखी एट साल्व चयु आ वीकनेस डेवलप चयचु दाने वीकनेस एट्लासेयु इलांट अमेजिंग अमेजिंग इनफर्मेशन मोतम तीयचु जस्ट टेन फिंगर्स द्वारा इधी अमेजिंग टेक्नोलॉजी इधी इलांट सर्वीस इलांट इनकम जनरेशन तरवा सर्वीस प्रोवाइड मैं दा तर टीम 360 टीम 360 अमेजिंग सर्वीस प्रोवाइडर इधी तन प्रती इनफर्मेशन बागा చూపిస్తది అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఏ ఫ్రాంచైజీ మెంబర్కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ప్రతి ఒక్కటి చూపిస్తది ఇది అమేజింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ బెటర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్స్ అమేజింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఈ దీంతో నేను డిడి శర్మ సార్తో కలిసినాను ఆయన చెప్పే విధానం కానీ ఆయన చెప్పే మోటివేషనల్ స్పీచెస్ కానీ చాలా నచ్చినాయి నాకు అంటే దానివల్ల మనం మారచ్చు మారి దానివల్ల గ్రోత్ కావచ్చు దానివల్ల ఎంత తన గురించి తను తెలుసుకోవచ్చు దాని తర్వాత నేను విపుల్ సార్తో వినీత్ సార్తో మాట్లాడినాను వాళ్ళ ఎట్లా చెప్పే వాళ్ళు చెప్పే విధానం కానీ వాళ్ళ చెప్పే చేసే చూపించే హాస్పిటాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది వీళ్ళందరూ ఎంతో ఎదుగుతారు వీళ్ళతో పాటు మనం కూడా ఎదగాలి అని మేము కూడా ప్రయత్నిస్తాము అందరూ డెవలప్ అయితేనే మంచిగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు డెవలప్ కావాలనేది ఈ విజన్తోనే ఉన్నారు డిడి శర్మ గారు ఆయనకి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ మీ కంపెనీ వాళ్ళతో పాటు మీతో పాటు మేము కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని కొనసాగాలని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వసీ సార్ బహుత్ హీ జబర్దస్త్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆప్కా రహా ఔర్ ఆజ్ ఆప్ భీ జో హై టీమ్ 360 కే సాథ్ మే జుడనే కా జో ఆప్నే జజ్బా ఉఠాయా హై టీమ్ 360 కే మెంబర్ ఆప్ ఆజ్ బన్ గయే హో ఔర్ జో ఆశా ఆప్ హమ్సే రఖతే హో తో మే పూరీ ఆప్కో విశ్వాస్ దిలాతీ హూ కి ఇస్ ఆప్కీ ఉమీద్ మే టీమ్ 360 పూరీ ఖరీ ఉతరేగీ ఆజ్ ఏక్ కదమ్ ఆప్నే ఉఠాయా హై హజారో కదమ్ టీమ్ 360 ఆప్కే సాథ్ బఢానే వాలీ హై ఔర్ ఇసీ తరహ ఆప్ అప్నే జీవన్ మే ఆగే బఢే ఔర్ ఏక్ బార్ ఫిర్ సే మే आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ थैंक यू सो मच सर तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप सभी से मुलाकात करवाना चाहूँगी टीम 360 के सभी टीम मेंबर से और हम जानेंगे उनसे कि हमारी आज की आई वी फ्रेंचाइजीज को आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर एनके शर्मा जी जो कि कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और शिक्षा जगत में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं साथ ही में पिछले 4 सालों से टीम 360 के साथ भी सर जुड़े हुए हैं तो मैं सर से निवेदन करूँगी कि एज ए प्रिंसिपल आप हमारी फ्रेंचाइजीज को अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं थैंक यू अंजलि मैम सबसे पहले तो हमारे आंध्र प्रदेश से आए हुए फ्रेंचाइजी मिस्टर मोहम्मद वशी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी इन्होंने इतना एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट दिखाते हुए वहाँ से फ्लाइट से आए हैं और 2 दिन की काफ़ी गहन इंटेंसिव ट्रेनिंग ली है और एक एक चीज़ को माइन्यूटली समझा है उन्होंने मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ को माइन्यूटली समझा है कैसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है कैसे उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और किस तरह से पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है इन सब चीज़ों पे काफ़ी उन्होंने डीप स्टडी की है 2 दिन में और काफ़ी इनकी क्वेरीज रही है मुझे बहुत अच्छा लगा बीइंग ए प्रिंसिपल मैं तो बच्चों को पढ़ाने का आदी रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा स्टूडेंट एज ए फ्रेंचाइजी हमें मिला है तो हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने एरिया में जाके स्टूडेंट्स के लिए पूरा जस्टिफाई करेंगे और उनकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए उनकी हिडन टैलेंट को कैसे निकाला जाए और अपने एरिया में मैक्सिमम ग्रोथ कैसे हो सकती है बच्चों को टैलेंट को यूज़ करते हुए इसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे प्रॉपर प्लानिंग में बहुत एक्सपर्ट है वेल एजुकेटेड पर्सन है और काफ़ी शांत किस्म के हैं
और काफ़ी इंक्यूजिट हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी एकदम विजन डॉक्यूमेंट बना के प्लानिंग करके अपने एरिया में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि टीम 360 आपके कंधे से कंधे मिला के खड़ी है, जहाँ भी आप हमें बुलाओगे हम हाजिर हो जाएंगे और आप इस काम को आगे बढ़ाएँ। इसी यही मेरी आपसे शुभकामनाएं। आज के दशहरे दिन एक बहुत बड़ा आपने मीड़ा उठाया, आज से आप हमारे परिवार के सदस्य बन गए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वशी। थैंक यू सो मच एनके सर। चलिए अब आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा जी से, और जानते हैं उनसे भी कि हमारी आज की आई वी फ्रेंचाइजीज को सर आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू अंजलि मैडम। और मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स को भी और हमारे साथ में जितने टीम मेंबर हैं उनको भी, और हमारे साथ में आज न्यू जो हमारे टीम मेंबर हैं और फ्रेंचाइजी होल्डर जो बन चुके हैं मोहम्मद वसी जी, इनको भी मैं विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उन्होंने इस मौके पर फ्रेंचाइजी भी ली और बिजनेस भी स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा मौका है और मतलब शुभ अवसर है जिस पर इन्होंने इस कार्य को स्टार्ट किया, जो इन्हें बहुत ज़्यादा फल देगा। इन मतलब इनके उज्ज्वल भविष्य जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा शुभ टाइम पर इस कार्य को चालू किया। और मैं जो मैसेज देने की बात कही गई है वो मैं दूंगा, दो मैसेज। पहला तो एक मैसेज ये है कि हमारे साथ में जो पर्सन आज नए जुड़े हैं मोहम्मद वसी जी और उनके जो टीम मेंबर है उनको, कि आप यहाँ पर काम सीखने के बाद जो आपने ट्रेनिंग ली बहुत अच्छा है, रिग्रेस ट्रेनिंग आपकी हुई होने के बाद आप अपने एरिया में जाके काम स्टार्ट करेंगे, तो काम स्टार्ट करने से पहले आज इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से और दोबारा स्टडी कर लें, क्योंकि जो DMIT वाला पार्ट है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। तो आप DMIT वाले पार्ट को अगर अच्छे से सीख लेंगे, दोबारा से कर लेंगे, तो वो आपका अपना हो जाएगा, आपको पराया नहीं लगेगा। अब ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से सीखा, आप अपने प्लेस पे गए, दो दिन का गैप दे दिया, तो आप उसकी हो सकता है टर्मिनोलॉजी भूल जाओ, तो वो अपन ना भूलें। उसके लिए कम से कम 10-12-15 लोगों के फिंगरप्रिंट लें, उनके रिपोर्ट जनरेट करें और काउंसलिंग करें। इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जो है हेल्प ले सकते हैं और हमारे यहाँ से हेल्प दी जाएगी, जिस विषय में अभी आगे आपको जो टीम मेंबर है वो आपको बताएंगे आफ्टर सेल सर्विस हमारे साइड से किस तरह से होती है। सेकंड मैसेज मेरा ये है आप सभी व्यूवर्स के लिए, वो भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि यार आप लोगों की फ्रेंचाइजी की जो अमाउंट है फीस है वो 1,20,000 होती है और बाकी हमें हर जगह पे 4,000 25,000 50,000 75,000 60,000 इतना वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है कि आपकी 120 और बाकी सबका इतना सिंपल थोड़ा थोड़ा अमाउंट है उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं। कोई तो ये भी लुभावने सपने दिखाता है कि 25,000 की चीज़ में हम आपको 52 प्रोडक्ट्स दे देंगे, 48 प्रोडक्ट्स दे देंगे, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए जो मैं हर बार बोलता हूँ, फ़ोन पर भी जब आप लोग हमसे बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप जरा गौर फरमाइए और देखिए कि आपको पूरे YouTube में, Google पे, पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई संस्था और कंपनी आपको मिली क्या जो ये प्रोग्राम स्कूल में करती हो, एक भी ऐसी संस्था जो ये प्रोग्राम स्कूल में करती हो। सोचने का विषय कि ये प्रोग्राम स्कूल के बच्चों का है तो स्कूल तक जाना चाहिए ना, बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे कहाँ मिलेंगे, स्कूल में, कोचिंग सेंटर पर, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉलेज में, ओपन सेमिनार, आम जनता यहाँ मिलेंगे बच्चे, लेकिन उन तक ये कंसेप्ट जाता नहीं है। जाता नहीं है तो क्या होता है, B2B, मैंने आपको फ्रेंचाइज दे दी, आप आगे देना चालू कर दो और वेस्टेज हो गया, बेकार हो गया। अवेयरनेस आई थोड़ी बहुत लेकिन वो उस तरह से बच्चों तक पहुंचा नहीं। तो ये एकमात्र हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कंसेप्ट बच्चों तक पहुंचाती है, ताकि रियल बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए, एंड यूजर कौन है, बच्चे हैं, वहां तक ये चीज जानी चाहिए। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, एक चश्मे की कहानी जो मैंने खुद ने पहन रखा है, एक चश्मे की कहानी सुना रहा हूं। एक आदमी था, वो चश्मा बनवाने के लिए दुकान में गया। अब जैसे हम जनरली चश्मे के लिए जाते हैं शॉप पर और वहीं आजकल फैसिलिटी होती है कि वहीं नंबर चेक कर लिया जाता है और चश्मा बना दिया जाता है, तो एक आदमी बड़ा जो उत्सुक था वो अपना चश्मा बनाने के लिए, नया बनाने के लिए गया दुकान पे। उसने वहाँ देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, उसके आगे भी 2-3 लोग है, सबका नंबर आता गया, वो वेटिंग में था इसलिए वो सोफे पे बैठ गया वहाँ पे रिसेप्शन पे। उसके आगे एक पर्सन था जिसका नंबर चेक किया जा रहा था, वहाँ पे जो आँखों के डॉक्टर हैं वो चेक कर रहे थे, वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। पहले वो एक होता है खाली चश्मा लगाते हैं नंबर चेक करने के लिए, फिर वो एक लेंस डालते हैं,
तो वो ऑब्जर्व कर रहा था कि डॉक्टर ने उस आगे वाले पर्सन से आंखों पे चश्मा लगा के एक लेंस डाला और पूछा, आपको कुछ दिखाई दिया? उसने बोला, ना मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्हें बोला, चलो कोई बात नहीं। दूसरा लेंस डाला, अभी दिखाई दिया? बोला, ना मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी तीसरा लेंस डाला तो उसने बोला, अभी आपको कुछ दिखाई दिया? बोला, हाँ अभी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन ठीक है। बोला, चलो कोई बात नहीं। चौथा लेंस डाला तो बोला, आह अब एकदम प्रॉपर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ। बोला, पढ़ पा रहे हो? बोला, पढ़ पा रहे हैं। उसने ये सारी चीज़ देखी। चौथा लेंस जो डाला था वो उसने नंबर लिख के उस आदमी को दे दिया। बोला, बाहर जाओ, आप अपना चश्मा बना लो, मैंने आपको नंबर लिख के दे दिया है। जो बंदा बाहर ऑब्जर्व कर रहा था, जो चश्मा बनवाने के लिए गया था, उसका नंबर आया। जब वो अंदर गया तो डॉक्टर ने वही खाली चश्मा लगाया, एक लेंस डाला, पूछा, आपको दिखाई दिया? बोला, नहीं। दूसरा लेंस डाला, बोला, दिखाई दिया? बोला, नहीं। तीसरा डाला, बोला, दिखाई दिया? बोला, नहीं। चौथा डाला, दिखाई दिया? नहीं। पांचवा डाला, दिखाई दिया? नहीं। वो डालते गया, उसने पूरी अपनी ट्रे डाल दी, उसके सारे एक एक बात चेक कर लिया, कुछ दिखाई दिया? बोला, नहीं। बोला, अरे तुम पढ़े लिखे भी हो क्या? बोला, नहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो बोले, फिर यहाँ क्या करने आए हो? तो बोले, मैंने सुना था कि जो चश्मा लगाते हैं वो पढ़ पाते हैं। तो बोला, जो चश्मा लगाते हैं पढ़ पाते हैं, आपकी बात सत्य है, लेकिन पढ़ाई अंदर होनी भी तो चाहिए, होगी तो चश्मा लगा के आप सामने देख पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अदर टीम 360 से ट्रेनिंग ली होगी, स्कूल करना आता होगा, अंदर उसकी विद्या होगी तो स्कूल कर पाएंगे ना, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे। इसी वजह से टीम 360 एकमात्र संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम करती है। अभी आप निकट भविष्य में विदिन टू मंथ आप हम लोगों का थाईलैंड बैंकॉक के अंदर स्कूल, बैंकॉक से 3 घंटा दूर एक वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जहाँ पे अभी हम लोगों का प्रोग्राम देखने वाले हैं स्कूल का, यहाँ बैठे बैठे वहाँ कैसे हमारे को बुलाया जा रहा है? और भी तो बहुत सी कंपनियाँ हैं जिन्हें बुलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर विद्या नहीं है, चश्मा तो लगा लिया लेकिन अंदर विद्या नहीं है स्कूल करने की, इसलिए स्कूल नहीं हो पा रहा। अभी तो मैं कुछ सुन पा रहा हूँ, लोग मुझे बता रहे हैं कि ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो DMIT का सॉफ्टवेयर तो देते हैं लेकिन वो एक चश्मा दे देते हैं, फिर उसके बाद वो देखने का काम आपका है, लेकिन अंदर विद्या नहीं है इसलिए स्कूल होती नहीं है, फिर हम चश्मा लेके घर पे आ जाते हैं। तो आप लोग इस तरह का जो है बहकावे में, लुभावने सपनों में ना आए, अपना डायरेक्शन चेंज ना करें। इस कंसेप्ट जो अभी आप मेरे से पहले जो आप सुन रहे थे मोहम्मद वसी जी को, इन्होंने एक लाइन बोली कि इन्होंने 300 से ज़्यादा वीडियो देखे, इनके फादर ने 500 से ज़्यादा वीडियो देखे। अरे 300-500 वीडियो बोलने के लिए देखो, बोल रहे हैं 300-500 मतलब हमारे यूट्यूब पर है तो सही, लोगों के 12-13-14-15 वीडियो हैं, तो आपको फर्क ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा। इससे ज्यादा मैं आपको और चीज यहाँ आने पे ही समझा सकता हूँ, बाकी वीडियो के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ विजयदशमी की, और आप सभी लोगों को दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमारे साथ टीम में जुड़े, और आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ मोहम्मद वसी जी और आपकी टीम के लिए, ताकि आप अपने एरिया में जाएं, इस कार्य को बहुत बखूबी करें, वहाँ के एक एक बच्चे तक ये कंसेप्ट पहुँचाएं। आपको जैसी हमारे से हेल्प की अपेक्षा है हमारे यहाँ से दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आज आपने दिया। इसी के साथ में अब आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा जी से, और जानते हैं उनसे भी कि वो हमारी IV फ्रेंचाइजीज को अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को जो भी व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं विजयदशमी की, और जो फ्रेंचाइजीज है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, और उनकी तो हम तारीफ़ करेंगे, क्योंकि यार राजस्थान स्टेट के आसपास में हम UP मान लें, गुजरात मान लें, मध्य प्रदेश मान लें, ज़्यादा दूर नहीं है, आया जा सकता है, आंध्रा से यहाँ आना इज़ अ बिग डील। तो मैं उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि वहाँ से यहाँ तक आ जाना। जो वहाँ से यहाँ तक आ सकता है वो सक्सेस भी अचीव कर सकता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, चूँकि मैडम ने कहा है हमें कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो यहाँ पे जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके जा रहे हैं, आज मैं ये फ्रेंचाइजीज़ के लिए ही ये मैसेज दे रहा हूँ, या जो हमारा ये बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए दे रहा हूँ। आप यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके जाते हैं तो भी, या जो ये देख रहे हैं वो भी, एक चीज़ ज़रूर तय कर लें, कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसके साथ में उसकी कुछ नीड्स होती है, उसकी कुछ ज़रूरतें होती है। अगर आपको सिविल सर्विस की परीक्षा पास करनी है तो उसके पर्टिकुलर पेपर अपन चुन लेते हैं, उसके बाद जान लगा के और वो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमें आवश्यक है कि कोई चीज़ आपको अचीव करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनको पूरा कर लो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अगर टीम 360 के ये जो ब्रेन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेते हो तो इसकी भी अपनी ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बैठना उठना आना चाहिए, आपको कैसे बात करनी है ये आना चाहिए, इससे
से रिलेटेड जितनी भी जो कंडीशंस है ना वो फिल करें, वो फिल किए बगैर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। ये दिमाग में पिक्चर रखना कि मैंने टीम 360 की फ्रेंचाइजी ले ली है तो बस अब मैं टीम 360 नहीं, कहीं पे भी अगर आप उससे रिलेटेड चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे, अब स्कूल के डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, जैसा अभी विनीत सर ने कहा अंदर विद्या होनी ज़रूरी है, अरे भाई स्कूल के डायरेक्टर के पास जा रहे हो और आप एक ऐसी स्कूल से, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, आपका खुद का सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो कहेंगे भैया तुम्हारी खुद की तो DMIT हुई हुई है क्या, तुम पहले तुम्हारी करा लो ताकि तुम कोई ढंग का करियर देख लो, तुम्हारे बस की नहीं है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, जब इस टीम 360 से जुड़े हो बहुत अच्छी बात है जुड़े, लेकिन 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीने का कितना कमाना चाहते हो? भैया जितना कमाना चाहते हो उतनी कमाई के लोग मार्केट में देख लो, वो क्या आप डिजर्व करते हो? वो अगर आपने टीम 360 फ्रेंचाइज ली इज़ अ गुड बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आ गया, लेकिन अब जो बचा हुआ हिस्सा है ना वो हमारा खुद का पोटेंशियल भी है, हमें उसे भी डेवलप करना पड़ेगा। वो ही नीड मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भैया उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति 50 लाख रुपये साल का कमाता है या 50 लाख रुपये महीने कमाता है, उसके वर्क एथिक्स कैसे हैं, वो कितनी मेहनत करता है। इंदिरा गांधी जी क्या करती थी? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। तो ये तीनों चीज़ जब करोगे ना तो फिर टीम 360 के को आप टीम 360 के पार्ट जरूर बन गए हो, फ्रेंचाइजी ले लिया है, लेकिन टीम 360 को डिजर्व भी करना आना चाहिए आपको। वो तो ठीक है 1,20,000 दिया आपने फ्रेंचाइजी ले ली, लेकिन टीम 360 ये कहे कि अब ये हमारा डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसके लिए जो हम जो नीड्स बताते हैं ना महीने भर अभ्यास करके उसको अचीव करे, सक्सेस निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम के अंतिम घड़ी में आप सभी से मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी टीम 360 के पैटर्न मिस्टर DD शर्मा जी सर से, जिसका सभी को अक्सर इंतज़ार रहता है। तो सर से मैं निवेदन करूँगी, सर आप भी हमारी IV फ्रेंचाइजीज को अपना मैसेज दें, साथ ही में इस प्रोग्राम को देख रहे सभी दर्शकों को आप मोटिवेट करें। मैं DD शर्मा, पैटर्न टीम 360, सबसे पहले तो अंजलि मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। अब मैं अपनी 3 बातें कहूँगा। सबसे पहले तो मोहम्मद वासी आंध्र प्रदेश से आए, अपनी इस टीम में जुड़े, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और तालियां बजा करके 2 मिनट उनका स्वागत करें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपने TV चैनल पर देखा होगा एक कवियों का एक प्रोग्राम आता है, वाह वाह क्या खूब है करके, उस प्रोग्राम बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है वो, उसकी एक विशेषता है वो कहीं से दूर दराज से कोई एक व्यक्ति लाते हैं जिसने पहली बार लोगों के सामने कविता सुनाई है और वहाँ पर ला करके उसे छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि आज से तुम जो है पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के जो है माने हुए कवि हो, आज से हम तुम्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। तो उसी तर्ज पे आंध्र प्रदेश से आए हुए मोहम्मद वासी को, जो कि किसी क्षेत्र विशेष में थे, लेकिन आज उन्होंने टीम 360 की ये जो फ्रेंचाइजी ले ली और टीम 360 का पूरा सहयोग लेकर के और पूरे विश्व में काम करे और विश्व में छा जाए, ऐसा हमारी न केवल इच्छा है बल्कि हमारा आशीर्वाद है कि वो इसको प्राप्त करे। एक बार मैं तालियों के साथ पुनः उनका स्वागत करता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद वासी ये काम जो है एक अच्छा और पुनीत काम है, एक सफलता की ओर जाने वाला मार्ग है, महानता की ओर जाने वाला मार्ग है, जिस पर तुम आरूढ़ हुए हो, जिस पे तुमने चलना आरंभ किया है, ये महानता का मार्ग है। और इस मार्ग पे तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, क्या कि अपने दोनों हाथों को फैलाइए और लोगों के सामने खुल करके और अपनी बात को कहिए, जो आपने यहाँ पर सीखा है लोगों को खुल करके बताइए, लोगों को लाभ कीजिए। एक हाथ अपना ऊपर की तरफ रखिए कि टीम 360 के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सहयोग लेते रहिए तथा अन्य जो सफल लोग हैं उन लोगों की संगत रखिए और उनसे लाभ उठाते रहिए, और दूसरी तरफ अपने से जो नीचे का तबका है, जो बच्चे हैं,
जो लोग अभी इस कंसेप्ट से अनभिज्ञ हैं उनको ये जो है एक सर्च लाइट की तरह, एक लैंप पोस्ट की तरह, एक टॉर्च की तरह आप उन लोगों को प्रकाशित और आलोकित करते रहिए। दोनों काम करने जरूरी हैं। अगर आपने ऊपर वाले से संबंध नहीं रखा तो जैसे अग्नि के अंदर कोई पड़ा हुआ गोला है, अगर अग्नि से हटा दिया तो वो ठंडा हो जाता है, फिर उसमें गर्माश नहीं रहती, तो आप टीम 360 से जुड़े नहीं रहोगे, सफल लोगों से नहीं जुड़े रहोगे, तो आप में आज जो कुछ सीखा है गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगी, और आप बांटोगे नहीं लोगों को तो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी हैप्पीली गिव, लोगों को दीजिए और हैप्पीली रिसीव करिए। यानी जैसे अपन कोई पौधा उगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जमीन को अपन थोड़ी क्या है समतल बनाते हैं, पोली करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, यानी कुछ तैयारी करते हैं। जैसे भी विपुल सर ने कहा, विनीत सर ने बताया, तैयारी कीजिए ताकि जो भी बीज डालो वो अंकुरित हो, पौधा बने और वृक्ष वक्ष बने, तो उसका न केवल आप ही लाभ उठाओ बल्कि आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की आमदनियां बढ़े, सभी लोगों की प्रतिभाएं बढ़े, और इस काम को आप जो वृद्ध स्तर पर कीजिए। मैंने प्रातःकाल आपको बताया था, आप ब्लूप्रिंट बना लीजिए, अभी एक अच्छा शब्द लोगों ने बताया है कि विजन डॉक्यूमेंट बना लीजिए, एक ही बात है, अच्छा शब्द है विजन डॉक्यूमेंट, पर ब्लूप्रिंट भी चलेगा। आप ब्लूप्रिंट बना लीजिए 3 साल का कि मुझे 3 साल में 10,000 लोगों की DMIT करनी है, इतने लोगों का मुझे जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना है, ये 3 साल का टारगेट बना के ले लीजिए, हमारे यहाँ से इसको अप्रूव कराइए, हमारे एक प्रोग्राम बना लीजिए, किन किन समय हमारी आपको ज़रूरत है वो हमारे से लें, कब आपको अगर वापस ज़रूरत पड़े ट्रेनिंग लेने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आने जाने का आपका खर्चा लगेगा, दोबारा कोई फीस नहीं ली जाए, ट्रेनिंग ले। हमारे यहाँ के टीम से कई प्रकार के सहयोग मिलते हैं, आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, डायरेक्टर से बात कर रहे हो, कहीं अटक गए तो फटाफट, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि हेल्पलाइन का इस्तेमाल कीजिए, है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, वैसे आप टीम 360 के किसी भी आदमी से बात करके और प्रिंसिपल साहब को कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए और उनसे जो बात करा दीजिए, हमारे यहाँ का हर बंदा एक्सपर्ट है, उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा और आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आपने अगर DMIT की और आपसे नहीं बनी ठीक ठाक तो वो लेकर के यहाँ भिजवा दीजिए, यहाँ से रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी, उसके भी कोई पैसे नहीं लेंगे आपसे। और तीसरा, आपने DMIT की रिपोर्ट बना ली लेकिन अब काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं ठीक प्रकार से, कहीं अटक गए तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं अथवा और लोग जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करा दीजिए, ये काउंसलिंग कर देंगे। यानी कहने का मतलब है, अभी अंजलि जी ने जैसा कहा कि एक कदम आप चलोगे तो टीम 360 आपके साथ 1,000 कदम उठाने को तैयार है। मैं कहता हूँ जहाँ आप पसीना बहाएंगे वहाँ टीम 360 आपके लिए खून बहाएगी। आप जो है मोहम्मद वासी अब अपने को अकेला नहीं समझें, ये समझें कि पूरी की पूरी टीम 360 आपके पास खड़ी है। सुबह मैंने 3 बातें बताई थी, पुनः याद करिए, स्किल आपके पास मौजूद है और इसको पैना कर लीजिए। लेकिन एक केसीएस के लिए बहुत बड़े बॉक्सर हुए हैं, उन्होंने कहा जब उनको गोल्ड मेडल मिल गया तो उनसे पूछा गया, भाई स्किल तो आपकी ज़बरदस्त है तो आपको स्किल के कारण से ये गोल्ड मेडल मिला? उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला। तो बोले कैसे मिला? मुझे मिला मेरी विल से। जब सामने वाले बॉक्सर ने मुझे बॉक्सर मार के नीचे डाल दिया था तो मेरी स्किल फेल हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक विल थी कि मैं एक बार और कोशिश करूँ। ये इच्छा शक्ति, ये बर्निंग डिजायर जो है उसने मेरे को वापस उठने के लिए बाध्य किया और मैं वापस उठा और ये गोल्ड मेडल मेरे को मिला। तो आप भी स्किल को पैना करिए, रहिए, लेकिन ये विलिंगनेस, ये बर्निंग डिजायर जो है ना, इसको जरूर पाले पोसे रखिए ताकि एडवर्सिटी के टाइम जब कोई आपको नकार दे, जब कोई आपको छिटका दे, जब कोई आपकी बात का खंडन कर दे तो स्किल काम नहीं आएगी उस टाइम, उसकी टाइम आपकी विलिंगनेस, ये बर्निंग डिजायर काम आएगी। चूल तू नहीं तो कोई और सही, दूसरे को दिखाते हैं, तीसरे को दिखाते हैं, चौथे को दिखाते हैं, नो मीन्स नेक्स्ट वन, दूसरे को दिखाते हैं, किसी ने नो कहा है मीन्स नेक्स्ट वन, दूसरे को दिखाएंगे, और को दिखाएंगे, दूसरी स्कूल, चौथी स्कूल, पांचवी स्कूल, यानी सैकड़ों स्कूलों में काम करोगे तो 10% स्कूलें अवश्य आपको मौका देगी और आप जो है सफलता के कदम चूम पाओगे।
तीसरी बात मैंने आपको और बताई थी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब कैसियस कल्ले से पानी वानी पिला करके जब वो गोल्ड जीत लिया तो उसे कहा कि कोई और भी सार की बात है क्या, बतला दो। बोले एक और बात है, वो है स्किल, विल, दोनों मुझे जिताया, मगर तीसरा एक और फैक्टर था, वो था दिल, कि मैंने जोश के साथ लड़ाई लड़ी और पिछले 4 सालों से लगातार 8 घंटे मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता रहा उत्साह के साथ, वो प्रैक्टिस मेरे काम आई। इन तीनों बातों को तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस टाइम पर काम आती है। जब सारे हथियार आपके फेल हो जाते हैं तो ये प्रैक्टिस देवदूत बन करके आपके पास आती है और आपको कामयाब बनाती है। जब कभी निराश हो मुझे याद करिए, टीम 360 के लोगों को याद करिए, मेरे नंबर ले जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप आंध्र प्रदेश में पूरी तरह इस काम को फैलाएँ और एक अच्छा मुकाम हासिल करें और एक वहाँ पर झंडा लहरा दें टीम 360 का और एक ब्रांड एम्बेसडर बने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और एक बार फिर से मैं पूरी टीम 360 की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। हमारी आज की फ्रेंचाइजी को भी बधाई देना चाहूँगी कि आपने जो है अपना सेशन कंप्लीट कर लिया, अब आप यहाँ से जाने वाले हैं, तो इसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़े और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और आप सभी लोगों ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नई फ्रेंचाइजी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।